हेलो फ्रेंड, कुक विद प्रियंका के चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ बेसन का मोदक। बेसन का मोदक बनाने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। ये हमने एक पैन को गर्म कर लिया है और उसमें हम डालेंगे एक चम्मच घी। घी डालने के बाद अब इसमें हम डालेंगे बादाम। बादाम को हमें थोड़ा सा भून लेना है। इसको हम हल्का हल्का भून लेंगे पहले। देखिए, इसको हम थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं भूनना है, हमें थोड़ा थोड़ा भून लेना है। ये देखिए, बादाम हमारा जो है अच्छे तरीके से भून चुका है। अब हम थोड़े से काजू को थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का ब्राउन होने तक भून लेते हैं। इसे भी हमें ज्यादा भूनना नहीं है। ये देखिए, ये भी हमारा भून चुका है। अब इसको भी हम निकाल लेते हैं अलग बर्तन में। ये देखिए, दोनों चीज को हमने भून के मिक्स कर लिया है। अब हम भून लेते हैं बेसन को। बेसन हमने एक कप ले लिया है। अब इसको हम अच्छे तरीके से भूनेंगे। इसमें हम पहले थोड़ा सा घी डाल के भून लेते हैं। जैसे जैसे ये हमारा बेसन अच्छे से भूनता जाएगा, वैसे हम बाद में इसमें और घी को मिला लेंगे। ज़्यादा इकट्ठा घी डालने पे ये कच्चापन में रह जाता है, गुठलियाँ पड़ने लगती हैं, इसके वजह से बेसन हमारा कच्चा रह जाता है। ये देखिए, इसको हम चलाते रहेंगे। इसमें जो हमारा ये गुठली बनता जा रहा है, इसको हम करछी से ऐसे दबा दबा के इसको हम फोड़ते रहेंगे। इसको हम अच्छे तरीके से चलाते रहेंगे। नीचे ये नीचे से पकड़ने लगता है तो हमारा जो है जल जाएगा और कच्चा भी रह जाता है, तो उतना टेस्टी और स्वाद नहीं आता है मोदक में। तो ध्यान रहे कि आप इसको लगातार चलाते रहें। अब देखिए, इसमें हम थोड़ा सा और घी को डाल देते हैं। घी हमें थोड़ा थोड़ा डालना है और इसको चलाते रहना है। अब इसमें हम डाल देते हैं नारियल का मुरादा। अब इसको हम अच्छे तरीके से, इसको भी हम इसमें अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं काजू बादाम को जो हमने पीसा था। अब इसको भी हम अच्छे तरीके से इसी में मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हम मिला लेते हैं दूध की मलाई। दूध की मलाई आप ताज़ा भी निकाल सकते हैं। अगर ताज़ा उतना नहीं हो पा रहा है तो आप दो तीन दिन का इकट्ठा करके आप इसमें डाल सकते हैं। अभी इसको हम अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर लेते हैं। देखिए, मलाई में से भी घी निकलेगा, इसके वजह से हमने घी इसमें थोड़ा कम ही डाला है। ये देखिए, इसको हम अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे, एक ही में मिक्स कर लेते हैं अच्छे तरीके से, और लगातार इसको हम चलाते रहेंगे ताकि हमारा जो है सब इसमें मिक्स हो जाए अच्छे तरीके से। ये देखिए, जब तक हमारा ये तेल ना, इसमें से घी ना निकलने लगे, तब तक इसको हम पकाते रहेंगे। ये देखिए, ये बिल्कुल जो इसमें है चिपक नहीं रहा है, बिल्कुल अच्छे तरीके से ये इसको छोड़ दे रहा है पैन को, और इसमें से खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो अब इसको हम क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। बंद करके ठंडा कर लेते हैं। ये देखिए, इसको हमने अलग थाली में निकाल लिया है। इसको हम बिल्कुल ठंडा कर लेंगे,
ताकि जो हमारे हाथ में लेने पे ये बिल्कुल हमारा हाथ न जले। इसको ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद इसमें हम डालेंगे भूरा। आपके पास भूरा ना हो तो आप चीनी को भी पीस के इसमें डाल सकते हैं, लेकिन इसको ठंडा होने के बाद ही। अब इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा इलायची पाउडर। अब इसमें हम डालेंगे चीनी को। चीनी को हमने पीस लिया है। अब इसको हम हाथ से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है। साँचा हमने ले लिया है। साँचा हमारा पहले वाला ही है। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा थोड़ा ये भूरा। भूरा डालना बहुत ज़रूरी है ताकि ये जो हमारा मोदक है बिल्कुल अच्छे से इसमें से निकल जाएगा। और इसमें हम डाल देते हैं बादाम। अब इसमें हम ऐसे करके थोड़ा थोड़ा भर लेते हैं मोदक बनाने के लिए। देखिए साइड साइड का जितना हमारा है उसको हम निकाल लेंगे। अब इसको देखिए ये देखिए हमारा जो है बेसन का मोदक बन चुका है। ऐसे अब हम सबको बना लेंगे। ये देखिए हमारा जो है बेसन और मलाई का मोदक बनके तैयार है। इसमें ना मावा की ज़रूरत है ना ही आप खोआ डाल सकते हैं। सिर्फ 2 चम्मच मलाई और बेसन से टेस्टी मोदक बनाइए। अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा।